ये उच्चैठ स्थान कालिदास के नाम से विख्यात है। महाकवि कालिदास मूर्ख छलखिन। जब विद्युतमा के प्रण छले राजा भोज के दरबार में, राजा भोज के प्रण छले जे हमर विद्युतमा के पर जे विद्या में जे हरा देता उनके साथ हम शादी करब। देश विदेश के राजा जैसे बजाल गए, राजा भोज ने बजल ओकर कोनो कल्याण नहीं भले, सबके परास्त जैसे विद्युतमा कर दिलखिन, विद्युतमा सबके परास्त कर दिलखिन। तहन पंडित लोग जैसे राजा भोज के दरबार में बैसला तो कहला जे पढ़ल लिखल से इनका शादी नहीं भले तो महामूर्ख से शादी करा दिल जाए। तो महामूर्ख के खोज में पंडित सब निकलला, देश विदेश जंगल जंगल भटकते भटकते एक जंगल में जखन गेला तो देखलखिन जे एक वृक्ष पर जैसे एक आदमी बैठल छ और जड़ी से काट रहा छ, फुनगे पर बैठल छ और जड़ी से काट रहा छथिन। तो कहला जैसे पंडित लोग समझ रहे थे बड़का मूर्ख हमारा खत्म भेटल, तैंसे पंडित के बजा कर राजा भोज के दरबार में दाखिल गया। राजा भोज के दरबार में पंडित के दाखिल गया। विद्युतमा और पंडित एक साथ बैठला। विद्युतमा प्रश्न कलखिन कालिदास से जे एक अंगुरी के मतलब की हो, तो कहलखिन हमरा ऐसे मूर्ख बनकर एक आँख खो रहा है, हम दुनू आँख खोजो दुनू अंगुली बता दिलखिन। इनका प्रण भले जे एक आत्मा हो दूसरा परमात्मा हो, हर विवाह जैसे रात में जे प्रखंड भले हर विवाह जैसे निश्चित भगल विद्युतमा के कालिदास के साथ विवाह भले जन विवाह भले। तकर बाद जैसे विद्युतमा प्रश्न पूछे छथिन कलिया से संस्कृत में एको शब्द के जवाब जैसे कलिया नहीं दिलखिन। तखन जैसे कालिदास के राइटे में लात मार कर विद्युतमा विदा कर दिलखिन। जखन विदा कलखिन तो भटकट भटकट उच्चैठ स्थान अला माँ के दरबार में जगदम्बा दरबार में अठम आबिकर हमारे पूर्वज रहें हा से संपर्क कलखिन कलखिन बाबा हमरा कोनो स्थान अपने दिए। तो अठम तो स्थान दरबार में नहीं रहे, कालिदास के घर पर स्थान रहे वहीठम कालिदास के राखि दिलखिन। नित प्रतिदिन जैसे विद्यार्थी लोग दिया जलाब के लिए मैया दरबार में अबत रहते अठम अबत अबत एक समय एहन भले जे अक्टूबर सेप्टेम्बर के महीना भले ओमे एत बारिश भले जे पूरा जलमग्न भ गए, पूरा जल से भर गए। कालिदास के कहलखिन केल जल देव मैया के दरबार में देव, कोनो विद्यार्थी तैयार नहीं भले। अंत में कलिया कहलखिन जे गुरुजी हमरा साँझ बत्ती दिया हम जाए जला कर जगदम्बा दरबार में आए। कलिया के कहलक जे तू जाए छ तो काली के निशान वहीठम लगा दिए ही बाहर में जे हम जेबो तो देखबो तू गेल छलह दरबार में कि नदी के किनार से तू घूम के आबि गेल एक प्रमाण हेतौ तै तू जैसे बाहर में निशान लगा दिए। कलिया जैसे चारू तरफ घूम कर अला अठम चारू तरफ परिक्रमा कर माँ के दिया जला दिलखिन आ बाहर में सोचलखिन जे बाहर में काली के निशान लगेबे तो माता कहीं पानी भेले तो कहीं धुल जैसे तो माँ के मुँह में लगा दे, मुँह में लागल रहते तो मैया गुरु जी कहता जे कलिया सही में गेल छला। माँ कहलखिन जे बेटा तू हमरा मुँह में काली के नहीं लगा, तू मांग वरदान की मांगे छ। मैया से कहलखिन हे माता हम मूर्ख आदमी छी, हमरा विद्या बना दिया, हमरा विद्या दिया। तो माँ विद्या का प्रदान किया, यहाँ से कालिदास विद्या के नाम से प्रसन्न हुए। अब विद्वान करके गुना गए हैं उज्जैन, उज्जैन जाके विद्युतमा को परास्त किए हैं, यही माँ का सिद्धि है। उच्चैठ स्थान के हेड पंडित जी देवू बाबा देव कुमार गिरी उर्फ देवू बाबा सात पुत्र से माँ के सेवा में हम लोग जागृत हैं।
सुन रहे हैं गंगा कैसेट की प्रस्तुति। जहिया से हमरा बिसरले गे मैया, जहिया से हमरा बिसरले गे मैया, जिंदगी भले सुनसान गे जोगे मैया, एकी केले जोगे मैया, एकी केले हमरा बना दिलान गे। जहिया से हमरा बिसरले गे मैया, जिंदगी भले सुनसान गे जोगे मैया, एकी केले हमरा बना दिलान गे। जहिना शरीर प्राण बिनामा, तहिना जीवन तोहर बिनामा। ओ जहिना शरीर प्राण बिनामा, तहिना जीवन तोहर बिनामा। जहिया से हमरा बिसरले गे मैया, जहिया से हमरा बिसरले गे मैया, भेलौ झूर जमान गे जोगे मैया, एकी केले जोगे मैया, एकी केले हमरा बना दिलान गे। बुझल तोरा छो हमर न दोसर, एक सहारा माँ और न ओसर। बुझल तोरा छो हमर न दोसर, एक सहारा माँ और न ओसर। जहिया से तू अनठे लग मैया, जहिया से तू अनठे लग मैया, जिंदगी बनल बेईमान गे जोगे मैया, एकी के